Hey guys, hello everybody. This is Shagun Tikarcha, and let's crack all insurance and bank exams in India's largest learning platform, which is Unacademy. You get top educators, quality content, and great learning experience in this platform. So let's crack bank exams, guys. So this is Shagun Tikarcha. I have more than 2 years of teaching experience. I have specialized in bank. I'm also a grammar expert. I have completed my master's in English literature from St. Xavier's University, Kolkata, and I have qualified my twice. So guys, let's crack bank exams in India's largest learning platform. Once you get the plus subscription, you get access to unlimited live and recorded courses. सो गेट सब्सक्रिप्शन में आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो अगर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इट विल कॉस्ट यू वेरी लेस. मैं आपको बता दूंगी प्राइसेस. सो एनीवे, उसके पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस चैनल इन 10. ये है हमारा नया चैनल इन 10. इसमें इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स पर आपको मिल जाएंगे 10 मिनट के अंदर के वीडियोज. 10 मिनट के अंदर के छोटे छोटे वीडियोज मिल जाएंगे जिसको आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. सो ये हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप. इस ऐप को आप लोग अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए. इट इज़ कंपैटिबल विथ एनी ऑफ द एंड्रॉयड डिवाइसेस. सो जल्दी से आप इसको अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए. इसके थ्रू आप स्पेशल क्लासेस कर पाएंगे, प्लस के क्लासेस कर पाएंगे. इसके थ्रू आप स्पेशल क्लासेस, प्लस के क्लासेस कर पाएंगे, क्विज कर पाएंगे. सब इसी में होगा. सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स के क्लासेस आपको इससे में मिल जाएंगे. ये हमारा टेलीग्राम का लिंक. इस लिंक के थ्रू आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं. आपको इसमें आने वाले सारे क्लासेस के अपडेट मिल जाएंगे. सो जस्ट जॉइन विद अस इन दिस टेलीग्राम लिंक. इस लिंक के थ्रू आप हमसे जुड़ जाइए. हमारे पास 1, 3, 6, 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 12 और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है. सो आई वुड आस्क यू टू गेट दिस सब्सक्रिप्शन ऑफ 12 मंथ फॉर ₹5,400 एंड 24 मंथ फॉर ₹6,480. एंड अगर आप मेरा ये कोड ARCHA10 यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट. सो यूज़ दिस रेफरल कोड ARCHA10 टू गेट अ 10% ऑफ डिस्काउंट. चलो आज हम लोग फिर से वोकैबुलरी करेंगे. कुछ वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम लोग डिस्कस करेंगे. आज का फर्स्ट सेंटेंस है, एवरीवन वाज टेकन अबैक बाय सचिन्स डिसीजन टू क्विट. तो आज का फर्स्ट वर्ड है अबैक. अबैक मतलब होता है
टेकन बाय सरप्राइज, अबैक मतलब होता है टेकन बाय सरप्राइज। ओके, सिनोनिम्स क्या क्या हैं इसके, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हैं? सरप्राइज्ड, थ्रोन ऑफ गार्ड, एंटोनिम्स क्या है इसके? ओके, रिलैक्स, कंटेंडेड, अबैंडन्ड देयर आउटर सिटी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबैंडन। अबैंडन मतलब क्या हो गया? टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट। अबैंडन मतलब हो गया टू लीव समथिंग एंड नेवर रिटर्न टू इट। अबैंडन के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? अबैंडन के सिनोनिम्स क्या हो गए? अबैंडन के सिनोनिम्स हो गए टू डिजर्ट, टू लीव। अबैंडन के एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? टू कंटिन्यू, टू कैरी ऑन, है ना? He is abashed of his own mistakes. So next word है हमारा abashed. Hello Shabnam. Hello Shabnam. So next word है हमारा abash. बैश मतलब हो गया मेक समवन फील एम्बैरेस्ड और अशेम्ड। गुड मॉर्निंग रोशन, गुड मॉर्निंग कुशाग्रा, वेरी गुड मॉर्निंग।
ओके, तो अबैश्ड के सिनोनिम्स क्या हो गए और एंटोनिम्स क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए एंटोनिम्स एम्बैरेस ह्यूमिलिएट, एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? अनअबैश्ड, अनडॉन्टेड, we waited for the wind to abate. We waited for the wind to abate. So next word है हमारा abate. So next word है हमारा abate. Abate का मतलब क्या हो गया? To make or become less strong synonyms क्या क्या हो गया बैठ के? Weaken, lessen, antonyms क्या हो गए? Strengthen, intensify. Hello Umesh. Yes, hello. Good morning, Aman. Very good morning. I am good. How are you? The voluminous book was abbreviated for the convenience of the students. So next word hai abbreviate. Abbreviate ka matlab kya hota hai? To shorten. Abbreviate ke synonyms kya kya ho gaye? Abbreviate ke synonyms kya kya ho gaye? कौन बताएगा अब्रिविएट का सिनोनिम?
यस, टू अब्रिज, टू कर्टेल, टू कॉन्टैक्ट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? चलो गाइस, आई नीड ऑल ऑफ योर व्यूज इन दिस. ओके, यस, टू लेंथन, टू एक्सपैंड, टू एनहांस. ओल्ड किंग एबडिकेटेड द थ्रोन. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबडिकेट. द ओल्ड किंग एबडिकेटेड द थ्रोन. एबडिकेट मतलब क्या होगा? टू गिव अप पावर, टू गिव अप पावर. इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? टेल मी द सिनोनिम्स. So synonyms can be relinquish, relinquish, renounce. एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट. एबरेंट बिहेवियर कैन बी अ साइन ऑफ रेबीज इन एनिमल. सो नेक्स्ट वर्ड है एबरेंट. एबरेंट का मतलब क्या होगा? Straying from right or normal way, straying from right or normal way. इसका सिनोनिम्स क्या क्या होगा? सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? टेल मी द सिनोनिम्स गाइस.
डिवाइंड, एटिपिकल, एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? नॉर्मल, यूजुअल, है ना? She abated the thief in the robbery. So next word हो गया abate. Abate का मतलब क्या हो गया? To encourage someone to do something wrong. To encourage someone to do something wrong. इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? असिस्ट, इनसाइट, एनकरेज, एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? डीमोटिवेट, प्रिवेंट, The old generator has been in abeyance for 6 months. The old generator has been in abeyance for 6 months. नेक्स्ट वर्ड हो गया अबेंस. अबेंस मीन्स, अबेंस मीन्स अ स्टेट ऑफ नॉट हैपनिंग, अ स्टेट ऑफ नॉट हैपनिंग और बीइंग यूज्ड एज प्रेजेंट और बीइंग used at present, है ना? So इसके synonyms क्या क्या होंगे? इसके synonyms क्या क्या होंगे? Abandon, suspension, discontinuation,
वॉज एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? स्टेसिस भी हो सकता है, स्टेसिस। एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? कंटिन्यूएशन, रिजम्पशन, है ना? अच्छा, आज का क्विज कोड है, आज का क्विज कोड है 829614। आप लोग प्लीज जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आ जाइए, वहां पर क्विज ज्वाइन कर लीजिए। 829614, प्लीज जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप में आकर के आप लोग जल्दी से क्विज ज्वाइन कर लीजिए। ओके ओके प्लीज गाइस, प्लीज जॉइन द क्विज। अमन एंड संगमित्रा, थैंक यू अमन, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, बट आई वुड आस्क यू ऑल टू जॉइन द क्विज। प्लीज जॉइन द क्विज। द वर्ल्ड वुड बी लाइक हेवन इफ ऑल द पीपल अबोर नन। तो नेक्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर मतलब क्या होता है? टू फील हेट्रेड और डिसलाइक, टू फील हेट्रेड और डिसलाइक। संगमित्रा एंड अमन प्लीज ज्वाइन द क्विज, प्लीज ज्वाइन द क्विज। आज का क्विज कोड है 829614। अब और के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? अब और के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? डिटेस्ट, लोथ। अबोर के एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? अबोर के एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? लाइक, एडमायर। ओके सो आई विल स्टार्ट द क्विज नाउ। आई होप आप लोगों ने क्विज ज्वाइन कर लिया है। प्लीज ज्वाइन द क्विज। एट टू नाइन सिक्स वन फोर। देखना टॉप
लेफ्ट कॉर्नर में एक इस तरह का ये बना हुआ होगा, एक इस तरह का सिंबल होगा, वहां से आप जाना प्लस में, प्लस में जब जाओगे तो नीचे में टेस्ट बोलकर एक ऑप्शन होगा, टेस्ट से ज्वाइन क्विज क्लिक करना, ज्वाइन क्विज में ये वाला कोड डालना 829614, 829614। प्लीज गाइस जल्दी से ज्वाइन द क्विज। नेक्स्ट वर्ड इज अबाइड। Abide means to accept something in accordance with है ना? सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? यू हैव टू ज्वाइन द क्विज फास्ट गाइज, आई हैव टू स्टार्ट द क्विज। सिनोनिम्स क्या क्या हो गए अबाइड के? सिनोनिम्स ओबे, फॉलो, एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? फ्लाउट। ओके आई विल स्टार्ट द क्विज नाउ, आई विल स्टार्ट द क्विज नाउ। चेक आई हैव स्टार्टेड द क्विज, मैंने क्विज स्टार्ट कर दिया है, मैंने क्विज स्टार्ट कर दिया है गाइज। आई हैव स्टार्टेड द क्विज, कम ऑन।
ओके, सो आज के क्विज में फर्स्ट इज अमन एंड सेकंड इज नवीन. सो एनीवे, वेरी गुड. ओके, टुमारो मैं इजी क्वेश्चंस रखूंगी. टुमारो मैं इजी क्वेश्चंस रखूंगी. ओके, सो एंटोनिम्स क्या क्या हो गए अबाइड के? फ्लाउट, रिजेक्ट, एबनिगेटिंग सुपरस्टिशंस इज एडवांटेजियस. सो नेक्स्ट वर्ड है एबनिगेट. एबनिगेट मतलब टू गिव अप. सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? रेनन्सिएट, रेनन्सिएट, डिस्कार्ड, रिजेक्ट, यस, टू लेट गो. एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एक्सेप्ट, होल्ड ऑन, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड. कीवीज अबाउंड इन न्यूजीलैंड. द नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबाउंड. अबाउंड मतलब टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स और अमाउंट, है ना? सो सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए प्लेंटी, सफाइस, नो, मोस्टली फाउंड कैसे होगा? यस, एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? स्कार्स, स्कैंटी, हाँ प्लेंटी होगा ना. अबाउंड मीन्स बहुत ज्यादा. टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑन अमाउंट.
Abrasive behavior of employees may prove harmful to the firm. So next word है हमारा abrasive. Abrasive का meaning क्या हो गया? Abrasive means showing little concern or feeling concern for feeling of others, showing little concern for feeling of others. So इसके synonyms क्या क्या हो गए? इसके synonyms क्या क्या हो गए? नो लिटिल कंसर्न, दूसरे के फीलिंग को लेकर के तुम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हो. रूड, अनॉइंग, अनफ्रेंडली, है ना? एंटोनिम्स क्या क्या हो गया? एंटोनिम्स क्या क्या हो गया? प्लीजेंट, फ्रेंडली, Our country should abrogate outdated laws. So next word is abrogate. Abrogate means to end a law, agreement or custom formally. है ना? इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? अबैंडन, अबॉर्ट. एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंस्टीट्यूट, introduce, it is worthwhile to abstain from intoxicants. So next word is hamara abstain. Yeah.
एब्सटेन का मतलब हो गया विथहोल्ड और रिफ्रेन यस इम्प्लीमेंट भी हो सकता है वेरी गुड अमन इट इज वर्थ वाइल टू एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट नेक्स्ट वर्ड है एब्सटेन एब्सटेन मीन्स विथहोल्ड और रिफ्रेन इसका सिनोनिम्स क्या क्या हो गया सिनोनिम्स क्या क्या हो गया टू अवॉइड टू सीज है ना एंटोनिम्स क्या क्या हो गया विथड्रॉ विथड्रॉ भी हो गया एंटोनिम्स क्या क्या हो गया टू डू टू कंटिन्यू यू आर नॉट द ओनली वन हु फाइंड आइंस्टाइन्स थ्योरी एब्स्ट्रूस सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्स्ट्रूज एब्स्ट्रूज मीन्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सिनोनिम्स क्या क्या हो गया सिनोनिम्स क्या क्या हो गया ऑब्सक्योर एसोटेरिक परप्लेक्सिंग एंटोनिम क्या क्या हो गया क्लियर ऑब्वियस पॉलिटिकल पार्टीज इंसल्ट इन इंडल्ज इन एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स बिफोर द इलेक्शन सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्सर्ड एब्सर्ड मतलब रिडिक्यूलस सिनोनिम्स क्या क्या हो गया सिनोनिम्स क्या क्या हो गए अनरीजनेबल Foolish, ridiculous, antonyms क्या क्या हो गए Yes, meaningless. Antonyms क्या क्या हो गए reasonable genuine yes logical चलो नेक्स्ट वर्ड
आवर लैंड अबुट्स नेचर प्रिजर्व. सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा अबुट. अबुट मतलब क्या हो गया? टू बॉर्डर अपॉन, टू बॉर्डर अपॉन. सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? एडजॉइन, लाई नेक्स्ट टू, एडजेसेंट. एंटोनिम क्या क्या हो गए? एंटोनिम हो गए फार, ऑपोजिट, है ना. ओके, अब्यूजिंग समवन इज इमोरल. ओके, अबेसिंग, अबेसिंग समवन इज इमोरल. अबेस मतलब क्या हो गया? अबेस मतलब हो गया टू ह्यूमिलिएट. अबेस मीन्स टू ह्यूमिलिएट. अबेस मीन्स टू ह्यूमिलिएट. सिनोनिम्स क्या क्या हो गया अबेस के? अबेस के सिनोनिम्स क्या क्या हो गए? डिग्रेड, डिसरिगार्ड, डिसऑनर, है ना. यस यस, टू डिसरेस्पेक्ट भी हो सकता है. डिसरेस्पेक्ट. एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? एंटोनिम्स क्या क्या हो गए? रिगार्ड, ऑनर, रेस्पेक्ट, है ना. ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू अमन. एंड दिस इज माई कोड Archa10. इस कोड को यूज़ करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा Unacademy के सब्सक्रिप्शन पर. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास. सी यू टुमारो. सी यू टुमारो.